मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अंतर्गत चंदला थाना क्षेत्र के समीप एक दर्दनाक घटना सामने आई है। चंदला थाना क्षेत्र के पंचम नगर में दो मासूम बच्चे नहाते समय उर्मिल नदी में डूब गए, जिससे उनकी जान चली गई। दोनों ही बच्चों की उम्र लगभग 8 साल के करीब बताई जा रही है। एक बच्चे का नाम अमित यादव है, जबकि दूसरे बच्चे का नाम प्रियांशु साहू था। ये दोनों बच्चे आपस में अच्छे दोस्त थे। दोपहर करीब 12 बजे ये बच्चे नदी में नहाने की तरफ गए थे और यहीं पैर फिसल जाने के कारण दोनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। आसपास मौजूद चरवाहों ने जब नदी के किनारे बच्चों के कपड़े और जूते देखे तो उन्हें शंका हुई। इसके बाद बच्चों की खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद उनके शव नदी से बाहर निकाले जा सके। बच्चों का पोस्टमार्टम चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे पंचम नगर गांव में शोक की लहर है। दो बच्चे, क्या नाम था बच्चों का? एक का प्रांशु, एक का अमित। प्रांशु और अमित। अमित कैसे, मतलब कहां डूब गए, कुएं में या नदी में? नदी में। नदी में चेक करो, ये बहुत सारा यहाँ एक घटना घटित हुई है। दो बच्चों के डूबने से मृत्यु हुई है। एक का नाम है अमित यादव, जो कि जिनके पिता का नाम है राजकुमार यादव, जो कि पंचम नगर से हैं, और दूसरे बच्चे का नाम है प्रियांशु साहू, जिनके पिताजी का नाम है भगू साहू। दोनों बच्चों की उम्र 8 वर्ष है और दोनों ही पंचम नगर से हैं, और पीएम करने पर उनके फेफड़ों में पानी पाया गया है और मृत्यु जो कि स्वाभाविक रूप से डूबने के कारण हुई है।